ये लो भीम, मेरा खड़ग। क्यों, मैं इसे लेके क्या करूंगा? मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूं भीम, कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही तुम उसे समाप्त कर दो। क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो। मैं सीधी बात करता हूं और सीधी बात ही समझ पाता हूं। युद्ध ना हो, इसके केवल दो ही मार्ग हैं। एक तो ये कि मैं तुम पांचों पांडवों का वध कर दूं, और दूसरा ये कि तुम पांचों पांडव मिलकर मेरा वध कर दो। यदि युद्ध हुआ तो इन्हीं दो बातों में से कोई एक बात होगी, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम आज दूसरा रास्ता चुनो और मुझे समाप्त कर दो। ये लो मेरी कटार भीम, और मेरा वध कर दो। मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। सदैव घमंड से तना हुआ सर आज नम्रता से झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आंखें जिनमें केवल द्वेष और घृणा की चिंगारियां निकलती थी, आज पश्चाताप का भीगापन दिखाई दे रहा है, और वो मुंह जिसमें व्यंग के विष में भुने हुए बाण निकलते थे, आज उनमें अश्रुओं की भीगी हुई बातें निकल रही हैं। दुर्योधन, कहीं इस परिवर्तन के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं भीम, यह परिवर्तन एक योद्धा की एक ऐसी भूल का परिणाम है जिसने क्षत्रिय स्वाभिमान को लहूलुहान किया है, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, क्षत्रिय परंपरा का अपमान किया है। मैंने एक घोर अपराध किया है भीम, घोर अपराध किया है। केवल एक अपराध? हाँ, केवल एक अपराध, क्योंकि इस अपराध के अतिरिक्त मैं अपने किसी भी कार्य से लज्जित नहीं हूं। ऐसा कौन सा अपराध किया है तुमने जिस पर तुम जैसा कठोर और निर्दयी भी लज्जा का अनुभव कर रहा? मैं तुम्हारे पौत्र का अपराधी हूं भीम। बर्बरिक का? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने क्षत्रिय धर्म को भूलकर बर्बरिक को चेत अवस्था में, जब वो निहत्था था, मारने का प्रयत्न किया। मैंने पाप किया है भीमसेन, परंतु मेरा स्वाभिमान मुझे इस पाप के लिए तुम्हारे पौत्र से क्षमा मांगने की अनुमति नहीं देता। किंतु यदि तुम मेरा सर धड़ से अलग कर दो तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें रात्रि के अंधकार में यहां अकेले बुलाया है। अंतरात्मा की पुकार सुनकर स्वयं में लज्जित होना भी अपने आप में एक दंड है दुर्योधन, और ये दंड तुम्हें मिल चुका है। मैं तुम्हें और दंड नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध आज नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें रणभूमि में युद्ध करके मारूंगा, क्योंकि यह मेरी परम इच्छा है और मेरी प्रतिज्ञा है। यदि आज तुझे मारूंगा तो मैं ऐसे दुर्योधन को मारूंगा जो नम्र है, लज्जित है, अपने पाप के आभास से पीड़ित है। मैं तो उस दुर्योधन का वध करूंगा जो घमंडी है, पापी है और अहंकारी है। मेरे पौत्र के प्रति किए गए अपराध के लिए मैं तुम्हें उसकी ओर से क्षमा करता हूं, और यदि मेरे पौत्र ने आवेश में आके तुम्हारा कोई अनादर किया है तो मैं उसकी भी क्षमा मांगता हूं। परंतु दुर्योधन, मैं तुम्हें पांचाली के अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। तेरे लहू से अपनी प्यास वश बुझाऊंगा, और यह कार्य इस अंधकार और सन्नाटे में नहीं होगा, धन के उजाले और रणभूमि की शोर में होगा। रुक जाओ भीमसेन, अब हमारी भेंट उस समय होगी जब हम रणभूमि में एक दूसरे के सामने होंगे। हमारी भेंट रणभूमि में अवश्य होगी भीमसेन। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे मेरे मानसिक बोझ से मुक्त कर दिया, किंतु एक बात याद रखना भीमसेन, जो दुर्योधन अपने पाप के प्रायश्चित के लिए अपना शीश भेंट कर सकता है, वही दुर्योधन
रणभूमि में अपने शत्रु का शीश धड़ से अलग करने में कदापि संकोच नहीं करेगा, कदापि संकोच नहीं करेगा।